आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को जो बेस्ड हैं 14 अगस्त की करंट अफेयर्स पे। पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, हु इज मेलासंथी? मेलासंथी कौन है? चीफ प्रिस्ट ऑफ सबरीमाला एंड मलिकापुरम टेम्पल, या फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मेलासंथी सबरीमाला और मल्लिकापुरम टेम्पल्स के मुख्य पुजारी को कहा जाता है। एक बार ये देख लेते हैं हम लोग, सबरीमाला टेम्पल है कहाँ पर? तो सबरीमाला टेम्पल जो है सबरीमाला हिल पर, और ये सबरीमाला हिल कहाँ पर है? पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? केरला में। ठीक है, अभी काफी दिनों से न्यूज में भी रहा है सबरीमाला टेम्पल, क्योंकि यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही थी ऐसी महिलाओं की जिनकी एज 10 to 50 ईयर्स के बीच में। उसके पीछे इनका लॉजिक था अपना इनका, क्योंकि ये जो टेम्पल है वो टेम्पल सबरीमाला टेम्पल अयप्पन का है, डाइटी है अयप्पन। तो जो अयप्पन है वो उनको ब्रह्मचारी बोला गया, इनको कहा गया है कि ये ब्रह्मचारी हैं, इसलिए ब्रह्मचारी टेम्पल्स में एडल्ट विमेन हैं उनकी एंट्री नहीं होगी। और ये भी कहा है कि 10 से 50 साल के बीच में एंट्री नहीं होगी। बट 2018 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, और उसने ये कहा कि नहीं, ये चीज गलत है और ये डिस्क्रिमिनेशन है, और उन्होंने ऑर्डर दिया कि नहीं, सारे जितने भी एजिस की वुमेन हैं उन सबको एंट्री मिलनी चाहिए, और अब तो सबरीमाला में सभी लोगों की एंट्री हो रही है। तो एक बार ये देख लेते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है, और ये रिजर्व पार्ट है कार्डमम हिल्स हैं जो केरला में, कार्डमम हिल्स जो है केरला में उन उसी पे है पेरियार टाइगर रिजर्व। अब देखो, वेस्टर्न घाट प्लस कुछ पोर्शन पेरियार, पेरियार सिर्फ टाइगर रिजर्व नहीं है, ये एलिफेंट रिजर्व भी है, और कार्डमम हिल्स के कुछ पार्ट को मिला के यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया है, तो इसको प्रिजर्व करता है यूनेस्को। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या है? मेलासंथी कौन है? चीफ प्रिस्ट ऑफ सबरीमाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इंडियाज रैंकिंग इन टोटल इंस्टॉल्ड सोलर एंड विंड कैपेसिटी, ठीक है ना, ये आज की न्यूज है। तो इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे फोर्थ है, और भी कुछ रैंकिंग्स को देख लेते हैं जो आज की न्यूज में कवर की गई हैं। टोटल सोलर एनर्जी कैपेसिटी इंडिया की कितनी है? फिफ्थ है। इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी कितनी है? फोर्थ प्लेस पे है। इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड सोलर एंड विंड कैपेसिटी मतलब सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है ना, जिसको बोलते हैं ना सौर ऊर्जा, ये कितनी है? 100 गीगावाट इस टाइम पे। इंडिया का टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इस टाइम पे 140 गीगावाट की है, और टोटल इंडिया की इंस्टॉल्ड इस समय कैपेसिटी है जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है वो है 383 गीगावाट, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी आती है, न्यूक्लियर भी आती है, कोल भी आती है, और सोलर भी आती है। इसमें सारे तरीके के जितने भी तरीके हैं एनर्जी को जनरेट करने के वो सारे आते हैं, जो अभी इंडिया इस समय 383 गीगावाट जनरेट कर रहा है। इंडिया का टारगेट क्या है? 2030 तक इंडिया का एम है 450 गीगावाट जनरेट करें इंडिया सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से। देखिए अभी टोटल हमारी एनर्जी 400 के आसपास नहीं, बट हमारा टारगेट है 2030 तक 450 गीगावाट हम लोग सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करें, है ना, मतलब जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है ऐसे संसाधनों से जिनको दोबारा से नवीकृत किया जा सकता है। जैसे कोल है ना, तो कोल इस तरीके का संसाधन है, तो एक बार खत्म हो गया वो दोबारा कई लाखों साल में बनेगा, है ना, तो इतनी आसानी से कोल फिर से नहीं आएगा। बट जैसे वाटर है, विंड है, तो ये जब तक एटमोसफियर चल रहा है, जब तक अर्थ चल रहा है, तो सोलर और विंड तो रहेगी, तो इसलिए इनको नवीकरणीय एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा में आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? साइरस पूनावाला को। साइरस पूनावाला कौन है? चेयरमैन ऑफ SII। SII क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे बेस्ड है? पूना में। आधार पूनावाला का तो कई बार न्यूज में नेम भी आता रहता है, तो ये SII के CEO भी हैं। ठीक है, और यही SII कोविड शील्ड का प्रोडक्शन करती है, शील्ड। ठीक है,
रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन है, और डेविड डियोप इनको 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज डेविड डियोप को मिला है। और इस लोकमान तिलक, जो लोकमान तिलक ट्रस्ट देता है, वो पुरस्कार किसको मिला? साइरस पूनावाला को। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हम लोग। विच जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट अलाउड टू इम्पोर्ट बाई गवर्नमेंट? ठीक है, तो किस जीएम उत्पाद को सरकार ने आयात करने की अनुमति दी है? सोयाबीन को। ठीक है, आप लोग देखते रहते हैं कि बीटी कॉटन इंडिया में काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है, इससे बनी हुई कॉटन को एक्सपोर्ट भी किया जाता है, तो ये भी एक जीएम प्रोडक्ट है, बट ये फूड की कैटेगरी में नहीं आता है। अभी तक पहला ये प्रोडक्ट है जो फूड की कैटेगरी में आएगा, और ये सोयाबीन है। और ये किस लिए इसको आयात किया जा रहा है? इसका पोल्ट्री के लिए, इसको एज अ पोल्ट्री फूड यूज किया जाएगा। ठीक, मस्टर्ड रॉन्ग है, वीट ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। एक बार देख लेते हैं जीएम प्रोडक्ट होता क्या है, जीएम फूड होता क्या। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे और भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, इन विच द जेनेटिक मटेरियल हैज बीन अल्टर्ड इन अ वे दैट डज नॉट अकर नेचुरली बाई मेटिंग और नेचुरल रिकम्बिनेशन। मतलब अनुवांशिक रूप से संशोधित पौधों या जीवों को ऐसे जीवों, यानी पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें अनुवांशिक सामग्री मतलब डीएनए को इस तरह से बदल दिया गया है जो स्वाभाविक रूप से, जैसे जब आदमी, जब पौधे या किसी तरीके से एनिमल्स है ना, किसी तरीके से उनका इंटरकर्स होता है, उसकी वजह से डीएनए में जो चेंजेस होते हैं वो सिस्टम नहीं है। प्राकृतिक पुनर्संयोजन मतलब कई सालों में डीएनए में ऑटोमेटिकली एटमोस्फियर के अकॉर्डिंग चेंज होते चले जाते हैं, वो भी नहीं है। इसमें क्या यूज होता है? टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकली जब आप डीएनए को चेंजेस किया जाता है, किसी दूसरे जीन को उस किसी अन्य के जीन में डाला जाता है, चाहे वो पौधा हो चाहे वो एनिमल हो, ठीक है, व्हाटएवर, तो वहां पे उसी को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक इसमें ऐसा गैर संबंधित प्रजातियों के बीच में भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक प्रजाति की चीज, एक प्रजाति जिसे किसी बंदर का डीएनए बंदर में ही डाल सकते हो, या फिर मानव का डीएनए मानव में, ऐसा नहीं, किसी इंसेक्ट का डीएनए मानव में भी डाला जा सकता है, या फिर किसी इंसेक्ट का डीएनए जीन किसी पौधे में भी डाला जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो गैर संबंधित प्रजातियों के बीच में भी हो सकती हैं वो चीजें। ठीक है, और जीएम जीवों से उत्पादित या उपयोग करने वाले खाद्य पदार्थों को अक्सर जीएम खाद्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और जब अभी ये देख रहे हैं हम लोग जीएम सोयाबीन, तो ये खाद्य पदार्थ ही है, हालांकि इसका काफी विरोध भी हो रहा है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट सिविक बॉडी टू ऑब्टेन वाटर प्लस सर्टिफिकेट कौन इशू कर रहा है? फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो कौन सी ऐसी सिविक बॉडी है, आवास एवं सरकारी मंत्रालय से वाटर प्लस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला शहरी निकाय कौन है? ठीक है, तो इंदौर, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, वन ऑफ द अबव। यहाँ पे कौन है? न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। अच्छा, इंदौर के बारे में हम लोग देख लेते हैं, यही जो आवास और शहरी मामले का मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये म्यूनिसिपालिटीज इंडेक्स जारी करती है, और उस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक जो है वो किसकी है? इंदौर की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो इंडेक्स जारी करती है, उसमें टॉप करने वाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है इंदौर, और वाटर प्लस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला कॉरपोरेशन कौन है? न्यू दिल्ली, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसमें मैच कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मनसुख मांडविया कौन है? हेल्थ मिनिस्टर है। जितेंद्र सिंह कौन है? मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। हेमंत विश्व शर्मा इस समय काफी न्यूज में चल रहे हैं, क्योंकि आसाम और मेघालय के बीच में काफी तनाव हो रखा है, तो आसाम के ये सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। और राजीव गौबा कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। ये इसलिए भी है कि इन्हीं का अभी जो
1 ईयर एक्सटेंशन दिया गया इनको हाल में ही, है ना। तो इसलिए भी ये थोड़ा सा न्यूज में थे कि इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था इस साल, लेकिन इनको एक बार फिर से 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। इसके पहले राजीव सिन्हा, प्रदीप सिन्हा करके हुआ करते थे, उनको भी 1 साल का एक्सटेंशन दिया था गवर्नमेंट ने, तो राजीव गौबा का भी को भी दिया। तो इसलिए किस मैच कर लीजिएगा, फर्स्ट का 2, A का 2, B का 3, C का 1, D का 4, तो ये हो गया। विच स्टेट एक्सटेंड्स मैटरनिटी लीव टू 1 ईयर, किसने बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया इसमें मातृत्व अवकाश को। वैसे तो जो गवर्नमेंट का एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से तो 26 वीक्स का है ना, और सिविल सर्विसेज के सर्वेंट्स को 180 डेज का मातृत्व अवकाश मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, स्टेट अपने अपना रूल्स में चेंजेस कर सकती है अगर चाहे तो तमिलनाडु ने किया है, और उसको पहले 9 महीने था, अब इसको 12 महीने कर दिया गया है, ठीक है, मतलब 1 साल। नेक्स्ट पे चलते हम लोग, इंडिया गाउ। इंडिया गाउ क्या है, ये एक चिप है, और ये चिप बेस्ड किसके ऊपर है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरिज्म, ठीक है। ये एक डीएनए वेरिएशन होता है, और ये अलग अलग डीएनए को अलग अलग पहचान करने में मदद देता है। ये आगे चल ऑप्शन बी देखते हैं हम लोग, डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एंड हैदराबाद, करेक्ट, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। चलिए, फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्योर इंडिजिनस कैटल ब्रीड सच एज गिर, साहिवाल एसेट्रा, ठीक है, तो देसी पशु नस्लों जैसे गिर साहिवाल का संरक्षण के लिए है, ये भी करेक्ट है। तो जब सारे करेक्ट हैं, तीनों करेक्ट हो गए। इनिशिएटिव ऑफ यूपी गवर्नमेंट, नो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ये इनिशिएटिव किसका है, ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ही इसका लॉन्च भी किया इसको। चलिए अगली न्यूज पे चलते हम लोग, तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, डी, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू सेट अप रेंट अथॉरिटी, किसने रेंट अथॉरिटी पहली बनाई है, ऐसा कौन सा स्टेट है, वो स्टेट है आसाम। आसाम ने अभी टेनेंसी एक्ट पारित किया है जो रेगुलेट करेगा, कोई भी टेनेंट और लैंडलॉर्ड के डिस्प्यूट को भी ये कवर करेगा, और भी चीजें इसमें होती हैं कि है ना, रेंटल रेंट्स जो होंगे उनको भी रेगुलेट करेगा, है ना, कि किस तरीके से बढ़ाया जाए। एक प्रॉपर वे में ही आप रेंट बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी बढ़ा दिया, कहीं पे भी बढ़ा दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, BBV 154, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट BBV 154, इसको ध्यान रखिएगा। ये COVID-19 के लिए वैक्सीन है, इंटरनेशनल COVID-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाई भारत बायोटेक, यस करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन, भारत बायोटेक को मानव परीक्षणों से गुजरने के लिए नियामक मंजूरी मिली, भारत बायोटेक गॉट रेगुलेटरी अप्रूवल टू अंडरगो ह्यूमन ट्रायल्स, बिल्कुल सही। तीसरी, इंडिया फर्स्ट नेशनल वैक्सीन, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी, ठीक है, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये इंडिया की फर्स्ट इंट्रानेशनल COVID-19 वैक्सीन है जो भारत बायोटेक डेवलप कर रहा है, और इसकी ह्यूमन ट्रायल्स को मंजूरी मिल चुकी है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को यहीं पे समाप्त करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग S2 स्टडी सर्किल, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड या बाकी क्वेश्चंस को भी डालते रहते हैं, तो ये टेलीग्राम हमारा चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस पर क्वेश्चंस आप कीजिएगा, क्विज मोड में रहते हैं, और इससे आपको रिविजन भी होगा, और जो नहीं आते होंगे वो भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। और आप हमारे इस टेलीग्राम को चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, S2 स्टडी सर्किल, अगर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी सारी अपडेट मिलती रहेंगी यहाँ से, ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम भी इसी नाम से, S2 स्टडी सर्किल के नाम से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग S2 स्टडी सर्किल, थैंक यू।